आज रक्षाबंधन पर जिले प्रशासन के निर्देश के चलते बहन अपने भाइयों की कलाइयों को सामने बैठकर राखी नहीं बांध पाई। इसका असर इतना व्यापक रहा कि दूर दूर से पहुंचने वाली बहनों को भाई से सीधे तौर पर मिलने के चलते न मिलने के चलते यहां सुबकते और रोते हुए भी देखा गया। हालांकि उन्हें फोन के इंटरकॉम के माध्यम से भाइयों से बात कराई गई और बहनों को अपने भाई को ना देख पाने का मलाल भी बना रहा। बता दें कि यहाँ पर आई फ्लू और कोविड के प्रकोप को देखते हुए शासन ने ये आदेश दिया था कि कोई भी बहन अंदर अपने बंदी भाई को आमने सामने बैठकर राखी नहीं बांधेगी। कहीं भी हो, अब जैसे जैसे नियम लागू हुए तैसे तैसे तो हुई। बाकी अभी ये सिस्टम भी ठीक है, मुलाकात जो भी कर रहे थे तो। मैं देवभोग ब्लॉक से आई हूँ, मेरे बड़े भैया से मिलने आई हूँ और 300-200 किलोमीटर, कम से कम 200 किलोमीटर की दूरी से आई हूँ और मेरे भैया यहाँ है। पहले हम भैया से मिलते थे, बात करते थे सामने एक दूसरे से और राखी बांधते थे सामने, लेकिन आज खिड़की के पास कांच के बीचों में बात करना पड़ा उनसे, उनसे मिल भी नहीं पाए, उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाए। जो शासन से हमको आदेश प्राप्त हुआ है टेलीकॉम मुलाकात कराने का, और मुलाकात करा रहे हैं, दो जगह टेलीकॉम मुलाकात का सुविधा उपलब्ध है जिससे बहनें लोग मिल रहे हैं और यहाँ पे बैठने बैठने का व्यवस्था किया गया है, उनके लिए पानी वानी सब चीज़ें जिसमें दूर दूर से जो बहन आई रही वो बात कर सकें, क्योंकि कोरोना काल और आई फ्लू के कारण ऐसा वो किया गया है